500 साल का संघर्ष क्या अब खत्म होगा? हम सबको पता ही है कि यह राम मंदिर का मुद्दा 500 साल से इंडिया में चल रहा है। आज मंदिर में प्रभु राम जैसे ही विराज आएंगे, तब क्या यह 500 साल का संघर्ष खत्म हो जाएगा? मुझे तो लगता है अब संघर्ष खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि इस मुद्दे के कारण देश में बहुत बार दंगे फसाद हुए, जिसमें बहुत ही इनोसेंट लोगों की जान गई। तो अब हमें हिंदू, मुस्लिम, सिख या किसी भी धर्म या जाति से उपकर, अब हम एक इंडियन हैं और हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हम सबकी भलाई और हमारे देश की सदैव अखंडित रहे। इसके लिए हम सबको कोशिश करनी चाहिए और हर किसी के धर्म की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए और हर किसी के बिलीफ को हमें एक रिस्पेक्ट की तरह लेना चाहिए। मैंने बार बार कहा है कि राम तो मंदिर में बस जाएंगे, लेकिन जब तक हमारे देश में राम राज्य की जो परिकल्पना है उसकी तरह से जब तक या फिर उससे थोड़ा बहुत ही हमने हासिल कर लिया, तो हमारे देश में एक खुशहाली आ जाएगी। तो इसलिए हमें अब इसकी कोशिश करना चाहिए कि राम राज्य की तरह हमारा देश में सब सुखी रहे। मोदी जी राम को विराजमान करेंगे, तो इसके लिए देश में बहुत बड़ी बहस चल रही है। विपक्ष पार्टियों द्वारा उस पर निशाना साधा जा रहा है और यह सब बातें तो होती ही रहती है, यह सब हमें पता ही है। तो हमें इस बातों को ज़्यादा ध्यान न देते हुए हमें सिर्फ प्रभु के विराजमान का आनंद लेना चाहिए और हमें किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। कोई कुछ भी कहे, लेकिन हम अपने दिमाग से सोचना चाहिए और हमें एक अच्छे नागरिक की तरह एक्ट करना चाहिए, तभी हम राम राज्य की हमारी जो कोशिश है उसमें सफल हो सकते हैं। आज राम मंदिर के विराजमान पर बहुत से सितारे और क्रिकेटर भी शामिल होने वाले हैं। क्रिकेटर में बात करें तो विराट कोहली, सचिन, MS इस जैसे बड़े बड़े क्रिकेटर्स भी राम मंदिर के विराजमान पर भाग लेने वाले हैं। तो अब देखना होगा कि यह जो कार्यक्रम है वह किस तरह से चलता है।